एनआईटी फरीदाबाद के 5 नंबर जी ब्लॉक में मकान नंबर 5 में दिन दहाड़े बदमाश 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बेहोश कर 5.25 लाख रुपए लूट कर ले गए। वारदात के समय घर में बुजुर्ग महिला अकेली थी और उसकी बहू बाजार से सामान लेने गई थी। घटना कल बीती शाम 5 बजे की है। वारदात की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल बुजुर्ग महिला कुछ भी बताने में असमर्थ है कि कौन लोग थे और कितने लोग घर में घुसे थे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरा की मदद ले रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। योगा जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, और अच्छा। आज मैंने योगा की छुट्टी करी थी तो मैं राशन लेने चली। अच्छा, राशन लेने। हाँ जी। और मैं जाने लगी तो मैंने माता जी को आवाज लगाई, मम्मी मैं जा रही हूँ। और जैसे मम्मी कहने लगी अच्छा ठीक है, क्योंकि मम्मी ने एकदम फटाफट उठ के दरवाजा नहीं बंद कर सकती, ओल्ड एज होते हैं तो आप सबको दिख ही रहा है। तो जैसे मैं फिर आधे पौने घंटे बाद आई तो माता जी को मैंने कहा मम्मी 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 को उठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो गया। मैंने कहा शायद कुछ हो गया, क्या हो गया। उठाया तो थोड़ा पानी वानी दिया तो कहती ऐसे ऐसे कुछ हुआ है गुरु। फिर देखा तो इनके बाद में ये थोड़े निशान भी थे, जैसे उन्होंने या तो टच करके देखा है कि अच्छी तरह बेहोश हुई है नहीं हुई। तो बाद में अंदर हम एकदम मेरा यहाँ पे जाने लगी तो मैंने देखा कि अलमारी खुली पड़ी और कपड़े निकले, बस इतना ही था। तो माता जी ने आपको कुछ बताया होश में आने के बाद? उनको कुछ भी नहीं पता सर, कुछ भी नहीं पता। वो इतनी बुजुर्ग है कि वो इतना नहीं मोह रख सकती, उनको बात भूल जाती है, थोड़ा ध्यान भी नहीं रहता। बीमार है, अस्थमा की मरीज है। वही है कि दरवाजा खुला पाती हूँ या तो वो मौका ये है कि मैं हमेशा 5 से 6 मैं आपको बता रही जैसे कि मैं 1-1.5 महीने से योगा जा रही हूँ। सर ये वारदात को आपको कैसे पता चला? आप ही ने पुलिस को बुलाया? पुलिस को मैंने बुलाया, मैं अपने ऑफिस में था जी। मेरे ब्रदर का घर है ये जी। तो भाभी जैसे पहुंची उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने फोन किया मेरे को कि जल्दी आओ घर से। तो मैं घर पे आया, मैं कहा शायद माता की तबीयत खराब होगी इस करके। तो मेरा मित्तल कम्प्लेक्स में ही ऑफिस है मेरा जी। तो मैं देखा के तो बताया उसने कि ऐसे ऐसे करके हमारे घर में लूट हुई है। तो मैं सब्जी लेने गई थी तो माता जी थी पीछे। कैश ही ले गए हैं? कितना कितना? इसके अलावा ज्वेलरी वेलरी भी ले गए? नहीं, कैश ही पड़ा था। कैश ही ले, ज्वेलरी होती ज्वेलरी। अच्छा, कैश ही था। कैश गरीब कौन? गरीब कौन? क्या हुआ माता जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे ना कोई पता नहीं, मैं कोई छोड़ते नहीं गई। कितने लोग थे कुछ पता है आपको? मैंने कोई पता नहीं। कुछ नहीं पता आपको? जब ये वारदात हुई तो कोई और भी था आपके साथ घर पे? मैं ही करती थी। आप ही थे? चोट लगी है? आती है 9 बजे 9 बजे। और उन्हें आए करके देखा होगा, भी डाल दिया माता के लिए। मैंने कोई छोड़ा। फिर आपको होश का कितनी देर में आया? होश ये नहीं जानती मैंने आगे। अच्छा, नाम लिया गया। आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और जैसा भी आगे का होगा वो कार्रवाई हम अगले वाला है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि एक लड़का और लड़की थे स्कूटी पर, अभी तक मेरे को कुछ पता नहीं है। सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, अब कोई चश्मदीद अभी तक आया नहीं है सामने, आएगा तो लगता है। कुछ सीसीटीवी कैमरे कुछ मदद कर पाएंगे? मदद करेंगे, देखते हैं सीसीटीवी।